News 18, India. गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। टीएमसी ने कह दिया है कि वो बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। टीएमसी के कुणाल घोष ने ये कह दिया है कि पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कुणाल घोष ने ये भी कहा कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका कोई भी आधार नहीं है। ये बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अधीर चौधरी भाजपा का एजेंट है, फालतू बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो कह दिया है 42 में 42 तृणमूल कांग्रेस लड़ेंगे वही हमारा अभी तक के लिए स्टैंड है, अनाउंस स्टैंड है। कांग्रेस पहले महत्व नहीं दिया था, जब 5 स्टेट में हार गया पंचायत असेंबली चुनाव में तो उनको लगा कि अकेले नहीं जीत पाएंगे, तब सबको साथ लेने के लिए हर स्टेट में जाकर लोग बातचीत कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, मजबूरी है कांग्रेस की, इसीलिए सबको हाथ पांव पकड़ रहा है। और अब बड़ी खबर संदेश खाली से। संदेश खाली जा रही है एक पूर्व जज, पूर्व आईपीएस अधिकारी, वकील और पत्रकार की 6 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था और इस बात पर टीम के सदस्य धरने पर बैठ गए थे जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पहुंच रही थी संदेश खाली, जिन्हें वहां जाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी थी, लेकिन यहां पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि जब इन्हें रोका गया था तो ये धरने पर बैठ गए थे। ऐसे में एक पूर्व जज, पूर्व आईपीएस अधिकारी, वकील और पत्रकार की 6 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम जब पहुंच रही थी, यहां पर 2 सदस्यों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। बंगाल की पुलिस का रोल पूरा बायस है और इनको जो भी आदेश दिया गया उसके बेसिस पे ही कर रहे हैं, लेकिन ये जिसने भी आदेश दिया है क्या हुआ? पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे आर नॉट टोल्ड मी, सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या?